बनाया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं फॉलो होता है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इसको समझने की कोशिश करो। इसको हमें इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, फार्मूले हम वही अप्लाई करेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म वही है। ठीक है, जो हमने कल डिस्कस की थी, जैसे x टू दी पावर पॉलीनोमियल फंक्शन है तो x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उनके हम वैसे यूज करेंगे जो आपको कल बताए थे। अब इसमें हमें दो प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो है किसको हम सब्स्टिट्यूट करें, बस ये आपकी है ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया आने लगेगा। एक ऐसी टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन वहां पर अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर हम जो है आप देखो कि 2x को अगर हम एज्यूम करते हैं 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम एज्यूम करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको लिए हमें लेट करना पड़ेगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है ना। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, हम डिवीजन रूल लगा देते थे, यहाँ ऐसा नहीं होना। यहाँ पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में। जब आपने डिफ्रेंशिएट किया ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विद रेस्पेक्ट टू अगर टी कर रहे हैं तो ये डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा है ना, और टी का कितना हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। आप ये समझो हमने क्या किया है, जिसको हमने टी लेस किया उसको विद रेस्पेक्ट टू हम टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि 2x डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा 2x डी एक्स आ रहा है इसकी जगह हमने क्या पुट किया, डी टी पुट कर लिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट कर लिया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log x होता है। तो 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो log t हो जाएगा। ठीक है, और c हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, तो t की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी वही वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू में इसलिए लिख देते हैं ताकि इसकी वैल्यू कभी भी हम निगेटिव नहीं लेते लॉग के अंदर। ठीक है, ये इसलिए ले मॉडल्स मॉडल्स जनरली हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखो क्या यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, लॉग टी प्लस सी। तो इसको हमने करने का मेथड क्या है कि आपको एक टर्म को टी एज्यूम करना है, किसको टी एज्यूम करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, क्योंकि इसमें आपको ये फाइंड आउट करना होगा, इसका कोई रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ये देखा और ये पता चल जाए कि इसको हमने टी लेट कर लेना। ये आपको धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके सारे क्वेश्चन आपको क्या लगेगा जैसे अलग हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाई एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो किसको हम टी लेट करें है ना, आपको डिफ्रेंशिएशन तो अच्छी तरह आना ही चाहिए है ना। डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छी तरह आता होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या करें हम, लॉग एक्स को टी लेट करें है ना। टी की जगह कोई और नाम रखते हैं चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। लॉग एक्स को हमने टी लेट किया तो ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी हो गया, ये एक्स है। यानी कि क्या होगा, अब हमने जो लेट किया हुआ है ना, लॉग एक्स की जगह तो टी आ गया, टी का स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह कितना हो गया, डी टी हो गया। बस इतना सा हो गया, जो आपको बहुत सारा मुश्किल लग रहा था एक सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो गया।
अब हम इसको एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन टी में हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि टी हमने एग्ज्यूम किया हुआ था, तो ये लॉग एक्स टू दी पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टी आर। तो देखो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन जो है, देखो हमने जो है यहाँ पर क्या करा है, डिनोमिनेटर वाले टर्म को टी लेट किया है, यहाँ पर न्यूमिनेटर वाले टर्म को टी लेट किया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो है बस ये आप डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ऐसी टर्म को टी लेट करना है जो आपको डिफरेंशिएशन वहाँ पर इजीली अवेलेबल है, ठीक है। दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी अगर आप ये कहो कि न्यूमिनेटर को लेट करना है ऐसा भी कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर को लेट करना है ऐसा भी कुछ नहीं है, है ना। लेट करने के बाद जो टर्म आपको मिक्स लग रही थी, मुश्किल लग रही थी इंटीग्रेशन करने के लिए, वो कितनी सिंपल हो जाती है, वन अपॉन टी हो गया, लॉग टी हो गया, यहाँ क्या हो गया टी टू दी पावर टू हो गया, कितना आसान हो गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो ये जो है आपको इंटीग्रेशन जो है देखने में मुश्किल लग रहा है, जब हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, सब्सटीट्यूट करने के बाद ये बहुत ईजी लगने लगता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगेगा जिसका कोई सिमिलरिटी पिछले क्वेश्चन से नहीं लगेगी, मगर आप कुछ जब क्वेश्चन कुछ कर लोगे तब आपका डाइम माइंड काम करेगा किसको हमें टी लेट करना चाहिए। फिर देखो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन में देखोगे आप, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है वन अपॉन थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, इसमें इंटीग्रेशन हमें करना है वन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। अब वो न्यूमिनेटर में तो कोई टर्म है ही नहीं, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हम कैसे करें, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसके लिए अब हमने क्या करा, इसको ऐसी टर्म में कन्वर्ट करना होगा कि एक को हम टी लेट करें तो दूसरे का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होगा। तो ये तो आपको पहले ही बताया, अगर कोई टर्म कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। इसको हमने वन प्लस लोग एक्स को अगर हमने लिख लिया, अब आप ये देखो अगर वन प्लस लोग एक्स को टी लेट करते हैं, वन प्लस लोग एक्स को अगर हमने टी लेट किया, इसका डिफरेंशिएशन देख, है ना, वन का तो जीरो हो गया, वन लोग एक्स से क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। तो डी एक्स तो मैं यही लिख देता हूँ, और वन का क्या हो जाएगा डी टी हम इधर लिख देते हैं, ये जनरली लिखने का तरीका हो जाता है। डी एक्स हम इधर ओवर के छोड़ देते हैं क्योंकि इधर डी एक्स होता है ताकि हमें कन्वर्ट करने में टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वन अपॉन एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू डी टी, इसके लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी आपकी वन प्लस लोग एक्स की जगह टी आ गया, और वन अपॉन डी एक्स की जगह क्या आ गया डी टी आ गया। बस वन अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी होता है, यह हमने लॉग टी रख लिया, और टी की जगह क्या रखेंगे जो हमने पहले पुट किया था, पहले पुट क्या किया था वन प्लस लॉग एक्स, ये वन प्लस लॉग एक्स प्लस टी, बस इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें क्या फर्क हुआ है ना, अभी तक क्या हो रहा था, न्यूमरेटर को लेट कर रहे थे या डिनोमेटर को लेट कर रहे थे, इसमें ना हमने न्यूमरेटर को लेट किया है ना डिनोमेटर को, एकदम डिनोमेटर को लेट तो किया पूरा डिनोमेटर नहीं लिया, मतलब है ना दोनों ही हमें डिनोमेटर का एक पार्ट को टी लेट करने पर उसका डिफ्रेंशिएशन भी वही अवेलेबल है डिनोमेटर के अंदर, है ना। ये भी आपको एकदम अलग क्वेश्चन रहेगा, इसमें हमने ना तो अभी तक क्या कर रहे थे, हम न्यूमरेटर को ले रहे थे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमने डिनोमेटर को लेट किया था, यहाँ पर अभी हमने डिनोमेटर को लेट तो किया और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमें डिनोमेटर में मिल गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया।
फिर इसी तरीके से देखो आप फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन एक्स, साइन कोस एक्स। अब ये देखो काफी ऑड सा लग रहा है ना, आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा के आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप किसी एक को टी लेट करोगे, किसको हम टी लेट करें है ना, इसको हम टी लेट कर लेते हैं, कॉस एक्स को, कॉस एक्स को हमने टी लेट किया, ठीक है। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। यानी कि अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन एक्स और डी एक्स की जगह आप क्या कर सकते हो, माइनस डी टी पुट कर सकते हो, ये माइनस डी टी आएगा। साइन ऐसे ही रहेगा अब डी देगा, और कॉस एक्स को आपने क्या लेट किया, टी लेट किया, तो ये हो गया आपका। जो आपकी इतनी सारी टर्म नजर आ रही थी, आपको तीन टर्म नजर आ रही थी इस तरीके से है ना, एक साइन एक्स था और साइन के अंदर क्या था, कॉस एक्स था। कॉस एक्स को अगर हमने टी लेट किया है ना, क्योंकि जो एंगल वाला पार्ट है उसको हम टी लेट करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कॉस एक्स को अगर हमने टी लेट किया, कॉस एक्स को हमने टी लेट करने के बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो यहाँ पर जो साइन एक्स था और ये डी एक्स था है ना, इन दोनों की जगह तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस ए टी आ गया। साइन की जगह हमने एज इट इज रखा नहीं है, ये वाला साइन, क्योंकि इसको हमने कहीं नहीं चेंज कर रहे हैं, और कॉस एक्स की जगह टी रखा है। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस टी प्लस टी। कॉस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है आपकी कॉस एक्स, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, टी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, कॉस कॉस एक्स प्लस टी, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पर हमने इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव भी बता रहा हूँ मैं है ना, मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ लगभग, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप खुद ना कर पाएंगे भी। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये है आपका, तो यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी है, इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं आप। साइन ए एक्स प्लस बी को टी लेट करके भी कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट तीन तरीके से मैं बता सकता हूँ आप, है ना। आप साइन ए एक्स प्लस बी को टी लेट करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस डी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, ठीक है। यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ए हो रहा जाएगा है ना, ए एक्स प्लस बी को द्वारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी अपॉन ए आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, साइन ए एक्स प्लस बी को टी लेट किया, ठीक है, और डी टी अपॉन ए आ गया। यानी कि अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी हो गया, तो ये एक आंसर क्या हो गया इसका, एक आंसर तो ये हो गया आपका वन अपॉन टू ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉस ए एक्स प्लस बी को टी लेट करना,
ठीक है, इसको टी लेट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए आएगा, तो इधर मैंने टी अपॉन ए लिख दिया, ठीक है, ये डी एक्स और डी टी, सॉरी ये डी एक्स और डी टी हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब हमने क्या लिया था, कॉस एक्स प्लस बी को टी लेट किया था तो माइनस आ रहा है, ठीक है, और डी टी अपॉन ए भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लेट कर रहे हैं, कॉस एक्स प्लस बी को, तो इसलिए जाना माइनस की वजह से ये यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का टी स्क्वायर अपॉन ए, टी स्क्वायर अपॉन टू ए, ये आ गया आपका सर। टी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, टी की वैल्यू कितनी है, साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए प्लस बी। तो एक तरीका ये हो गया है ना, एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर लिया, और इसको और एक तीसरा तरीका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, हो सकता है कि आंसर किसी अलग मेथड से दिया हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है आप, ठीक है, आपका जो है मेथड ठीक होना चाहिए और वो वैल्यू उसके इक्विवेलेंट ही होगी, इक्विवेलेंट है या नहीं वो आपको क्वेश्चन में या ना वैल्यू पुट करके पता चल जाएगा, एक्स की वैल्यू कोई पर्टिकुलर पुट करके देख लो 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री उसका सेम आंसर आता है तो वो ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड क्या किया हमने, इसी को इंटीग्रेट करने के लिए टू से मल्टीप्लाई कर लिया और टू से डिवाइड कर लिया, अगर टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टू साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, है ना, अगर हम साइन साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया तो साइन टू थीटा हो गया, साइन टू थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस टू थीटा माइनस के, तो माइनस आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉफिशियंट है आपका, है ना, जो इसका कॉफिशियंट है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हमने टी लेट किया, यहाँ पर हम क्या करते हैं डिवाइड करना पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा टू ए से और डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपका अलग आ गया। तो तीन आपके आंसर एक ही क्वेश्चन के अलग अलग मेथड से सॉल्व करने पर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्क है आपका और चीजों में, और इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको जो है मेथड डिफरेंट आपका अलग हो और बुक में जो आंसर दिया हो वो आंसर अलग हो, ऐसा हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उसमें आप जो है जो आपका आंसर आया हुआ है उसको आप गलत ना समझें, ठीक है, अगर आपको ज्यादा डाउट है, ठीक है, अपने आप पे, तो उसको आप कोई वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो कि आपके जो है 30 डिग्री या 45 डिग्री उनसे वैल्यू सेम आ जाती है, इसका मतलब ठीक है, जैसे आप कंफर्म है तो कोई जरूरत नहीं है उसे चेक करने की। तो ये 1 to 5 हो गए, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए ये पांचों ही क्वेश्चन अलग अलग थे, आगे के क्वेश्चन में फिर भी कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 वाले में कोई खास चीज नहीं है, 6 वाले में क्या दिया हुआ है, रूट ए एक्स प्लस बी, रूट ए एक्स प्लस बी में है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए अब आपको जो है ए एक्स प्लस बी जो है इसको अगर हम टी लेट करते हैं ना, हमारा जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली नहीं है ना, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू
डीटीआर में, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसको हमने क्या लिख दिया, ये टी टू दी पावर वन अपॉन टू और डी टी अपॉन ए हो गया। इसको हमने क्या किया, टी टू दी पावर इंटीग्रेट करेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये है तो 2/3 ए इंटू टी टू दी पावर 3/2, ये आंसर हो गया। टी की जगह आप पुट कर सकते हो, टी की जगह क्या पुट करोगे, टी की जगह आपको पुट करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करने होंगे। 6 है, ठीक है, 7 है, 7 कैसे करोगे, 7 में आप एक्स प्लस टू को टी लेट कर लेंगे, इसको अगर हम टी लेट करेंगे तो फिर आराम से सोल्व हो जाएगा, 1 + 2x² है, इसको हम टी लेट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, x² + x + 1 है, इसको हम टी लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, ये आपका x माइनस के रूट एक्स दिए हुए है, यहाँ पर रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया है ना, रूट एक्स हम कॉमन लेते हैं अगर, ये रूट एक्स माइनस वन हो जाए, है ना। ये जो चीज है ये आपको पहले नहीं पता चलेगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही लेट करते हैं एक्स माइनस रूट एक्स को, टी लेट करने पर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर हमने इसको रूट एक्स कॉमन ले लिया, रूट एक्स कॉमन लेने के बाद जो है, ठीक है, इसका जो है आपको डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो जाएगा, रूट एक्स माइनस वन को अगर हमने टी लेट किया तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x, 1 का 0 हो गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आया आपका 1/√x डी एक्स, यानी कि 1/2 है, ये आपका जो रूट एक्स आ रहा है 1/√x डी एक्स की जगह, तो आप क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 dt/t, तो 1/t का क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन, लॉग टी हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी लॉग, टी की जगह आप पुट कर सकते हो ए टी जिसको हमने लेट किया था √x - 1, √x - 1, ये आंसर है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि हमने जो क्वेश्चन नंबर ये किया है 10, 10 वाले में क्या फर्क था, ना तो हम न्यूमरेटर को लेट कर पा रहे थे ना डिनोमेटर को लेट कर पा रहे थे, तो दोनों ही टर्म जो है अलग अलग थे, न्यूमरेटर और डिनोमेटर वाले टर्म जो है ना, इसको हम लेट करना अलग अलग नहीं था पॉसिबल था, तो डिनोमेटर में ही डिनोमेटर का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो जाए, इसलिए हमने रूट एक्स को कॉमन लिया, क्योंकि हमें ये पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√x में आता है, तो इसमें अगर हम रूट एक्स कॉमन ले लेंगे और ये भी टर्म रूट एक्स में बन जाएगी, इसलिए हमने ये ऐसे किया, तो रूट एक्स को हमने लेट करके √x - 1 को टी लेट करके, ठीक है, 1/√x आ गया, तो ये वाला भी 1/√x में आ गया, और ये √x - 1 की जगह हमने टी पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 10 तक पहुंच गए। अब आप देखो 11 है, 11 में कोई दिक्कत नहीं है, x+4 को आप टी लेट करेंगे डिनोमेटर वाले टर्म को, ठीक है, 12th वाली में टर्म में जो फ्रैक्शन में आ रही है जो रूट है उसको आप टी लेट कर लो, चलो मैं 12 में बता देता हूँ, x³ - 1 टू दी पावर 1/3 एक्स टू दी पावर 5,
इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब आपको जो है ना ये डिसाइड करना होगा किसको हम टी लेफ्ट ले, है ना। यही मुश्किल काम है कि हमें किसको एज्यूम करा जाए कि टी लेट करा जाए, एक्स क्यू माइनस वन को टी लेट करा जाए, है ना। अगर हम एक्स क्यू माइनस वन को टी लेट करते हैं तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। हम हमेशा वो ही टर्म को टी लेट करेंगे जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी जब फैक्टर में होगी। अब हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स टू दी पावर फाइव है ना। इसको हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वन की जगह हमने टी पुट कर दिया, टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी अपॉन थ्री पुट कर दिया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर तो हमने यूज कर लिया, इसका एक्स टू दी पावर थ्री बच गया, एक्स टू दी पावर थ्री को हमने ऐसे लिखा रहे। अब एक्स टू दी पावर थ्री की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से टी प्लस वन पुट कर सकते हैं, ये हमने टी प्लस वन पुट कर दिया, ये आपका टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री है और ये डी टी है अपॉन में ये थ्री आ रहा है, ये हुआ वन अपॉन थ्री। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, टी टू दी पावर वन फोर अपॉन थ्री प्लस टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री इंटू डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, वन पावर ऐड करेंगे तो फाइव सेवन, सॉरी सेवन अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन थ्री डिवाइडेड बाई सेवन बाई थ्री डिवाइडेड बाई फोर बाई थ्री हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका थ्री, तो बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका टी, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यू माइनस वन होल टू दी पावर सेवन डिवाइडेड बाई सेवन, यहाँ पर कितना है, एक्स क्यू माइनस वन होल टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस थ्री, ये आपका आंसर है। अब इसको देखो, इसमें ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, एक्स क्यू माइनस वन टू दी पावर वन अपॉन थ्री इंटू एक्स टू दी पावर फाइव, एक्स क्यू माइनस वन को अगर हमने टी लेट किया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है इसको टी लेट करने पर फायदा क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन होगा थ्री एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, तो वो हमने अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पावर फाइव थी उसकी एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको डिफरेंशिएशन में यूज कर लिया, इसकी पावर जो थी थ्री वो हमने अलग ले ली, और उस पावर थ्री की वैल्यू यहाँ से माइनस वन को उधर शिफ्ट कर दिया, टी प्लस वन हो गया, वो टी प्लस वन हमने यहाँ लिख दिया एक्स की जगह, और ये टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री एडिटेड लिखा हुआ है, ये डी टी अपॉन थ्री ये लिखा। अब हमने क्या करा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री की टी से करेंगे, टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री या टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री, अब हम इसको इंटीग्रेट कर, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, एक्स टू दी पावर एन और वाई एक्स टू दी पावर एन वाली फॉर्म में दोनों ही पार्ट, इसको हमने इंटीग्रेट करने के लिए एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये दोनों में हमने फार्मूला लगा दिया, दोनों में ये थ्री ऊपर जाएगा तो थ्री हमने कॉमन ले लिया बाहर, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री से थ्री ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर बचा है एक्स क्यू माइनस वन टू दी पावर सेवन डिवाइडेड बाई सेवन प्लस एक्स क्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर टू दी पावर फोर, ये इस तरीके से क्वेश्चन किया, ये अभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से पहले वालों से अलग था, है ना। तो ये आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन में हम क्या लैग करें, फिर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, थर्टीन वाले में क्या है, जो डिनोमीटर में उसको आप टी लेट कर लो, टू प्लस थ्री एक्स क्यू है ना, इसको टी लेट कर लोगे। फोर्टीन वाले में क्या है, एक्स लॉग एक्स है, लॉग एक्स को आप टी लेट करोगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स यहाँ पर अवेलेबल है। फिफ्टीन वाले में क्या करोगे, फिफ्टीन वाले में नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, तो नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर को ही आप टी लेट कर लोगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एटीन एक्स फोर एक्स हो जाएगा, तो ऊपर एक्स अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 वाला जो e की पावर 2x प्लस 3 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही हो जाता है ना,
जिसको टी लेट करोगे वो आपको उससे डिवाइड कर लो, है ना। 2x + 3 को टी लेट करते हो तो क्या हो जाएगा, टी लेट कर लो, कोई बात नहीं, 2x + 3 को टी लेट करने के बाद 2 आ जाएगा, 2 से 4 डिवाइड कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में आप x² को टी लेट करोगे, ठीक है, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x ऊपर अवेलेबल है, तो ये 17 तक आप आराम से कर सकते हो, है ना। अब 18, चलो 18 मैं बता देता हूँ, 18, 19, 20, वैसे तो 18 भी आसान है, 18 में देखो आपको याद हो फॉर्मूले तो आसान है, याद नहीं है तो मुश्किल है। देखो यह है e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x². इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें आप जो है ना टेन इनवर्स एक्स को टी लेट करो, टेन इनवर्स एक्स को अगर हम टी लेट करते हैं, यह हमें पता होना चाहिए टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² होता है, तो ये 1/1 + x² dx = कितना हो जाएगा, dt हो गया, यानी कि जब क्या हो गया फॉर्मूला, e^t dt हो गया, जो आपको इतना मुश्किल लग रहा था उसको लेट करने पर 1/1 + x² dx इसी के काम में आ गया, डिफरेंशिएशन को लेट करने में, और टेन इनवर्स एक्स को हमने टी लेट किया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e^t हो गया प्लस टी, जिसको हमने टी लेट किया था उसको आप कट कर दो, टेन इनवर्स एक्स कर दो, तो ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक ये हो गए, है ना। फिर 19 और 20 है ना, 19 और 20 को कैसे करोगे, ये e^2 + 1 यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है 19 और 20, मैं दोनों को एक जैसा बना देता हूँ, है ना। कैसे, हमने e^x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया e^x से, तो e^x हो जाएगा, ये e^-x हो गया, ये e^x हो गया, ये e^-x, क्या किया, डिवाइडिंग बाई e^x, इसको टी लेट किया हमने, e^x + e^-x को टी लेट करते हैं अगर हम, e^x का डिफरेंशिएशन ऊपर से देखना पड़ेगा, माइनस है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है कि क्या हो गया, ये e^-x dx = dt हो, यानी कि क्या हुआ, जो हमने डिनोमिनेटर को लैग किया था वो ही आपका न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, तो ये 1/t dt हो गया, बस खत्म। इसका क्या हो जाएगा, लॉग हो गया, t की वैल्यू कितनी है, e^x + e^-, ये मैंने क्वेश्चन नंबर जैसे 19 किया है वैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ 2x लिखा हुआ है, यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो 2x वाले टर्म को डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप टी लेट करोगे तो ऊपर जो है न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन उसका अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको मैंने 20 तक आज कराया है, ठीक है, ये आप 20 तक आप करके लेके आएंगे, है ना, अपनी नोटबुक में करेंगे, या जो नहीं होंगे वो अपनी प्रॉब्लम पूछेंगे, ठीक है, जो मुश्किल लगे वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको कर दिए हैं, है ना। कल ये कोशिश करेंगे आगे, ये आगे थोड़ा सा एक्सरसाइज मुश्किल है, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।